आज शिवरात्रि है पर यहाँ पे भक्त नहीं आए हैं क्योंकि ये हमारे ग्वालियर शहर से काफी ज्यादा दूर है और इस विशाल मंडप के अंदर मौजूद है हनुमान जी की प्रतिमा और साथ ही साथ सामने है शिवलिंग। ये गुफा लगभग 20 किलोमीटर लंबी है और ये जाके ग्वालियर किले पे निकलती है। तो बटेश्वर मंदिर जो कि मुरैना जिला में पड़ता है उसकी तुलना इससे आप कर सकते हैं, मतलब संरचना की देखने में बिल्कुल वैसा की वैसा हूबहू कुछ मंदिर जो यहाँ मौजूद है उससे मिलते जुलते हैं। ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर एक कुंड है की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था फ्रंट में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। खूबसूरत मंडप है, मंडप पे देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिल जाएंगी और सामने जब आप इधर आएंगे तो ये पहाड़ है, पूरी चट्टान है, इसकी गर गुफा है, इसके अंदर मौजूद है यहाँ पे खूबसूरत सा मंदिर। यहाँ घूमने में मेरे को लगता है पूरा एक दिन लगेगा है, अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो। ऊपर चल के कुछ इस खूबसूरत सा ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ऊपर चलते हैं, कुंड के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। सो गाइस, नहा धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं और मेरे दोस्त। आज हम लोग जा रहे हैं नरेश्वर टेम्पल और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी इस परिवार की तरफ से। तो चलते हैं। और ये नरेश्वर टेम्पल ग्वालियर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और भिंड रोड पर पड़ता है, मालनपुर से होते हुए वहाँ जाना पड़ता है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी होती है आज की हमारी यात्रा। सो गाइस, घर से हम लोग निकल चुके हैं और मेरे साथ एक हमारे मित्र भी जुड़ गए हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। और सबसे पहले तो हम लोग कहीं रुकते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर आगे के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। मैं बताऊँगा मेरे साथ कौन कौन भाई हैं आज। आ गया बॉस अपना गर्मा गर्म पोहा और ये हैं हमारे चेतन भाई जो कि आज हमारे साथ चल रहे हैं नरेश्वर। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, लगातार मेरे वीडियो देखते हैं, वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो आज इन्होंने कहा डेविड भाई साथ में चलने का है। तो चेतन भाई कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। आज डेविड भाई के साथ आज नरेश्वर मंदिर जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ का एक्सपीरियंस। तो ये जगह रुके थे हम लोग पोहा खाने, अब बढ़ते हैं आगे इसको ख़त्म करके। तो फाइनली पहुँच गए हैं हम लोग गोले के मंदिर चौराहे पर और ये देखिए सामने कैसे लहरा रहा है एकदम नागिन की तरह गाड़ी को भाई। सामने ही हम लोग को मेहता भाई मिल जाएंगे और हमारे एक योगेंद्र सर हैं वो भी आज हमारे साथ चल रहे हैं। 10 सेकंड और इंतज़ार करना होगा। 4 3 2 1 गो। ये देखो एक से पहले ही बग गए सब मेहता भाई का फोन आ गया है, वो बोल रहे हैं डीडी नगर चौराहे पे मिलेंगे। फाइनली हमारे योगेंद्र सर आ चुके हैं, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर। और मेहता भाई की गाड़ी ये खड़ी है, मेहता भाई पीछे वो आ रहे हैं। योगेंद्र सर भाई साहब मेहता भाई के साथ जा रहे हैं बाइक पे बैठ के और चेतन भाई मेरे साथ। चलो अब हम कहीं नहीं रुकेंगे और आपको रास्ते पर रास्ता बताते हुए चलेंगे कि आप लोगों को अगर जाना हो तो कैसे जाना होगा। तो ये दीनदयाल बोल रहा हूँ, ये डीडी नगर रोड है और इसी रोड से अभी तो आपको सीधा सीधा जाना है। कहाँ से मुड़ना है, क्या कहाँ ब्रेक लेना है, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा जिन भाई लोगों ने ये जगह नहीं देखी हो उनके लिए। सामने ही आपको बोर्ड पर दिख जाएगा भिंड इटावा कानपुर, कानपुर और भिंड इटावा जाने वाला ये मार्ग है। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये जो कटरा है तो सीधा आपको लेके जाएगा महाराजपुरा एयरपोर्ट के लिए और ये रोड जाएगी भिंड के लिए, तो अपने को भिंड वाला रोड पकड़ के ही आगे बढ़ना अभी। तो ये है भाई टोल प्लाजा और साइड से हम लोग निकल रहे हैं आगे की ओर, फिर से बढ़ रहे हैं और मेरे आगे चल रहे हैं मेहता भैया योगेंद्र सर। बड़ा ही मज़ा आ रहा है, कम लोग हैं आज पर आनंद भरपूर हो रहा है। ये देखो क्या मस्त गुंबद बने बीच रोड पर। मुड़ना था, मैं आगे निकल गया तो यहाँ से कट है और यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा है, पर यहाँ से अब अंदर जाना है हम लोगों को। मैं सामने से आ रहा था, ये अपना ग्वालियर तरफ से यहाँ से आ रहा था, अब यहाँ से अंदर जाना है। चलो भैया अभी ये गाँव है, गाँव के अंदर से आगे बढ़ना होगा और ये देखिए सबकी सब भक्त लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हम लोगों के 2 प्लान कैंसिल हुए हैं दोस्तों, हम लोग पहले नाइट कैंपिंग करने वाले थे वो कैंसिल हुआ, आज के दिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक की कैंपिंग करने वाले थे वो कैंसिल हुआ और आखिर में कल रात को हमारा प्लान बना नरेश्वर जाने का। तो ये मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, ये देख सकते हैं आप काफ़ी सारी फैक्ट्री हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है और कहीं अपन किसी महादेव मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में तमाम आपको बोर्ड देखने को मिल जाते हैं कि भाई साहब दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए यहाँ से इतना किलोमीटर बचा, पर इस मार्ग पर
वो मतलब साइन बोर्ड देखने को नहीं मिल रहे हैं, और कुछ अब इस तरह से कच्चा रास्ता हम लोगों को मिल रहा है। ये कुछ इस तरह का दुर्गम रास्ता है बोले तो, गिट्टी वाला एकदम। ऑफ रोड का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और सामने चले जा रहे मेहता भाई, योगेंद्र सर, और ये खूबसूरत वातावरण। मेरे दोनों साइड है सरसों की खेती और यहाँ पे कुछ बंजर इलाका, क्योंकि यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और इसी पहाड़ के पीछे वो मौजूद है मंदिर, नरेश्वर मंदिर। भाई साहब कुछ इस तरह का आगे जाके और ख़तरनाक रास्ता, यहाँ तक आपकी फोर व्हीलर आ सकती है, पर बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बाबा ने बुलाया है तो आना पड़ेगा, मंजिल को पार करना पड़ेगा। रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, सफर को करना पड़ेगा। हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, आगे का रास्ता पैदल होकर करना होगा। चले आ योगेंद्र सर, यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले थे और इनकी कांवड़ यात्रा आ रही है, उसका इंतजार कर रहे हैं। भैया अपना नाम क्या, अपन लोग कहाँ से हैं? रानू यादव, अपन गौत से बिलोंग करते हैं। अच्छा, गौत से आए आप लोग। आप लोग की वो यात्रा आ रही है ना, कांवड़ यात्रा, यस, यस। उसका इंतजार कर रहे हैं। अंकल लोग भी साथ में। क्या कह रहे हो? तालाब के चक्कर में पत्थरों को कैसे लगाया गया? हाँ, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और बताया जाता है कि यहाँ पे पहले गांव हुआ करता था, उसको ढक दिया था। अभी भी खुदाई में काफी मकान निकल रहे हैं, और खूबसूरत सा तालाब भी देखने को मिलेगा। ये है पहाड़, और इन पहाड़ों के बीच में है वो मंदिर। बढ़ते हैं आगे, कुछ इस तरह का रास्ता देखने को मिलेगा जब आप लोग आएंगे। यहाँ तक अगर आप आते हैं ना, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को पकड़ के आइएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो इस जंगल में रास्ता भटक भी सकते हैं। रास्ते की एक पहचान है, जैसे जैसे आप इस पे आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह की कुछ खंडित शिलाएं और इस तरह के काफी सारे पत्थर रास्ते बिखरे हुए आपको नजर आने लगेंगे। सभी तरफ आपको छोटे बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं देखने में। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, आपको दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं। महादेव, हर हर महादेव। इस तरह से सफर करते हुए इन रास्तों से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और जिस मंदिर की तलाश में हम लोग पहुंचे थे वो हमारे करीब ही है, सामने ही है। यह है नरेश्वर मंदिर यहाँ का। अब चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। शुरुआत में जब आप आएंगे तो ऐसी काफ़ी सारी शिलाएं आपको खंडित अवस्था में देखने को मिलेंगी, और कुछ मठ हैं, जो मंदिर हैं, जो अभी भी सुरक्षित अवस्था में हैं और इन पर अभी काम चल रहा है। तो चलिए, पहले तो आपको एक एक करके सभी मंदिरों के दर्शन करा देता हूं मैं, और कैसे ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। तो सबसे पहले आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये है वो मंदिर जिसके विषय में बता रहा था, और बात करें इसके चारों तरफ से तो काफ़ी अच्छी इस पर कलाकृति की गई है। देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्ति भी उकेरी गई थी, जो कि अभी खंडित अवस्था में है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा पत्थर जोड़ के इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऊपर तक आप देखेंगे, मठ तक में आपको डिज़ाइन देखने को मिलेंगे सभी तरफ। अंदर देखते हैं, अंदर यहाँ पे नंदी महाराज जी की खंडित अवस्था में ये मूर्ति विराजमान है। अंदर देखेंगे तो आपको एक शिवलिंग, विशाल शिवलिंग देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी पुराना ये मंदिर है। इसके अंदर भी मतलब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं है। मंदिर के बगल में हमें यहाँ पे एक शेल्टर भी देखने को मिला है, बारिश में बचाव कर सकते हैं। क्या कहते हैं, बचाव के लिए आप आराम से यहाँ रह सकते हैं, बारिश का पानी इसमें नहीं आएगा, आंधी तूफान वगैरह में भी आप इधर सेफ हैं। बढ़िया, और यहाँ से गिरते हुए झरने का भी आनंद ले सकते हैं, बारिश में पानी भी आएगा। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, वो दिखाएंगे। तो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आपको ये पहला एक मंदिर, दूसरा मंदिर देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ आप जाएंगे तो तीन काफी विशाल मंदिर हैं, और आगे बढ़ते जाएंगे तो काफी सारे ऐसे मंदिर हैं, एक मंदिरों का समूह है ना। ये मंदिर खंडित हो चुके थे, हाँ, इसे दोबारा से बनाया जा रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं ऊपर साइड में, ये देखिए दोबारा से इसको बनाया, इसमें कुछ नए पत्थर जोड़े गए हैं। तो काफी शांति भरा वातावरण है, और आज के दिन सभी मंदिरों में भीड़भाड़ होगी पूरे शहर में। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जो लोगों की पहुंच से दूर है,
इसलिए यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। हम आने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी से अगर आप ऊपर पड़ेंगे तो शुरुआत में ही आपको एक बड़ा सा विशाल मंडप देखने को मिलेगा, और इस विशाल मंडप के अंदर मौजूद है हनुमान जी की प्रतिमा, और साथ ही साथ सामने है शिवलिंग, देख सकते हैं आप। मंडप के हर पिलर पर आपको कलाकृति देखने को मिलेगी, फूल पत्तियों की इसके अंदर कलाकृति है। मंदिर का जो मंडप होता है उस मंडप पे जो कलाकृति होती हैं घंटी की, फूल पत्ती की, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे विराजमान है ये विशाल प्रतिमा हनुमान जी। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो बटेश्वर मंदिर जो कि मुरैना जिला में पड़ता है उसकी तुलना इससे आप कर सकते हैं, मतलब संरचना की देखने में बिल्कुल वैसा की वैसा हूबहू कुछ मंदिर जो यहाँ मौजूद हैं उससे मिलते जुलते हैं। यहाँ पे जो शुरुआत में आप देखेंगे ऊपर चढ़ के तो यहाँ पे तीन विशाल बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे, पर इन मंदिरों की अगर आप बात करें तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की कोई प्रतिमा मौजूद नहीं है, पर चारों तरफ से आप निगाहें दौड़ाएंगे तो इनमें खूबसूरत इस प्रकार की कलाकृति भी देखने को मिल जाएगी आपको। इसके ही पीछे आप उस तरफ जाएंगे वहाँ पे पहाड़ की जो गर्भ गुफा देखने को मिल रही है उसके अंदर मौजूद है एक विशाल शिवलिंग, उसके दर्शन कराते हैं और मंदिर के सब तरफ से आपको दिखाएंगे उस पर मौजूद कलाकृति और कुछ लेख भी मौजूद हैं उसके बारे में बताते हैं। पीछे की तरफ से जैसा कि मैंने आपको दिखाया था फ्रंट में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, खूबसूरत मंडप है, मंडप पे देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिल जाएंगी। और जिसकी मैं तुलना कर रहा था बटेश्वर टेम्पल से, इसी के सामने जब आप इधर आएंगे तो ये पहाड़ है, पूरी चट्टान है, उसकी गर्भ गुफा है, इसके अंदर मौजूद है यहाँ पे खूबसूरत सा मंदिर। और शुरुआती तौर पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको लेख देखने को मिल जाएंगे सभी तरफ, और इस पे खूबसूरत सी यहाँ पे संरचना भी की गई है, कलाकृति भी उकेरी गई है, और ये लाल रंग के किसी पत्थर से। अंदर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको विशाल शिवलिंग देखने को मिलेगा, ये मौजूद है। शिवलिंग की बात करें तो काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है, लगभग 10वीं और 8वीं शताब्दी का ये बताया जाता है। इस पे पुरातत्व विभाग के द्वारा कार्बन डेटिंग भी ली गई है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको नंदी महाराज भी देखने को मिल जाएंगे। इतिहास के विषय में अगर बात करें तो बताया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के काल का ये मंदिर मौजूद है यहाँ पर, और उन्हीं लोगों ने इसकी स्थापना यहाँ पर कराई थी, और अनुमान लगाया जाए तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का ये मंदिर मौजूद है। सभी तरफ आपको यहाँ पे विशाल बड़े पत्थर देखने को मिल रहे हैं, ये बड़ी विशाल चट्टान जो ऊपर आप देख रहे हैं इस पे मौजूद है, ये पूरा एक पहाड़ है, पहाड़ को काट के यहाँ पे एक दीवार नुमा एक कमरा टाइप का बनाया है, और कमरे के बीचों बीच में मौजूद है यहाँ पे एक विशाल शिवलिंग। आज शिवरात्रि है पर यहाँ पे भक्त नहीं आए हैं क्योंकि ये हमारे ग्वालियर शहर से काफी ज्यादा दूर है, लगभग 20 किलोमीटर, और अभी भी लोगों की नजरों से ये दूर है। तो हम लोगों का यही मकसद है इस वीडियो के माध्यम से कि लोग यहाँ पर आए, क्योंकि जब यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, तो इस मंदिर का विकास तेजी से हो पाएगा, और मंदिर का विकास होगा तो यहाँ का जो आने जाने का रास्ता है वो भी बन पाएगा, और यहाँ पे पूजा अर्चना भी शुरू हो जाएगी। ये तो थी कुछ नीचे की जानकारियाँ, वहाँ मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। कुछ सीढ़ी नुमा ये रास्ता है, यहाँ से आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको एक माता जी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये है वो विशाल माँ दुर्गा जी का मंदिर जो कि आपको ऊपर आके देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगातार पूजा अर्चना की जाती है, जिस हिसाब से यहाँ से समझ में आ रहा है काफ़ी अच्छी अवस्था में है ये, और इसका निर्माण अभी अभी हुआ है, मतलब जो खंडित हो चुकी थी शिलाएं जो गिर गई थी उसको दोबारा से यहाँ पे लाके बनाया गया है। चलिए आपको पूरी तरह से दिखा देते हैं, ये देखिए आप, हर तरफ आपको मंदिर के सभी तरफ इस तरह से देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी कलाकृति की गई है इस मंदिर की दीवारों पर। मंदिर के अंदर खास बात ये लगी कि आप यहाँ पे आराम से परिक्रमा भी कर सकते हैं, तो बीच में मंडप है, चारों तरफ खुला वातावरण साफ बना रखा है, गैलरी टाइप की है, और हर पिलर पे आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ से आप बढ़ने को होंगे तो यहाँ पे साइड में ही आपको एक प्राकृतिक झरना भी देखने को मिल जाएगा, जो कि पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है, जब भी उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है पर बारिश के समय काफ़ी ज़्यादा तेज मात्रा में यहाँ से पानी बहता है, और बहते हुए ये अंदर से गुफा के द्वारा जंगल की तरफ निकल जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको झरना दिखाया है, उस झरने का जो पानी आ रहा है वो इस गुफा के अंदर से आ रहा है,
और बताया जाता है कि मतलब कहावत ऐसी है कि लोगों का कहना ये है कि ये गुफा लगभग 20 किलोमीटर लंबी है और ये जाके ग्वालियर किले पे निकलती है। अब इस विषय में हम लोग कोई किसी प्रकार का दावा नहीं करते और अंदर की तरफ थोड़ा चल के दिखाते हैं कि कहाँ तक है ये, और बाकी तो फिर आगे अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलेगा। आएंगे? बंद कर दिया है। बंद है? हाँ, वही तो। यहाँ से रास्ता बंद है। अभी तो बंद है फिलहाल। ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर एक कुंड है। यहाँ घूमने में मेरे को लगता है पूरा एक दिन लगेगा, है? अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो ऊपर चल के कुछ खूबसूरत सही नजारा देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं। ऊपर चलते हैं, कुंड के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। ऊपर की तरफ जब आएंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऐसे मठ देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर बात करें तो किसी भी देवी देवता की कोई प्रतिमा मौजूद नहीं है, और ये पूरा पहाड़ों की तरफ से आता है, इस कुंड को भरता है। ये कुंड प्राकृतिक कुंड नहीं है, इस कुंड को ये पहाड़ को खोद के बनाया गया है, क्योंकि इससे प्रतीत होता है इस कुंड के चारों तरफ बनी हुई सीढ़ियों से। और जब ये कुंड पूरी तरह से भर जाता है, फिलहाल तो अभी वहाँ पे एक दीवार बना दी है, पहले दीवार नहीं हुआ करती थी, तो कुंड का जब पानी भर जाता था तो यही कुंड का पानी ये मंदिर का जल अभिषेक करके जंगल की तरफ पानी निकल जाता था। तो इस तरह के चारों तरफ आपको बिखरी कुछ चट्टानें पत्थर देखने को मिलेंगे कुंड के करीब जब आप आएंगे, और पीछे की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे और वीरान इलाका। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और थकान सी महसूस होने लगी है, तो मैं आपको यही कहूँगा यहाँ पे आने का सबसे उत्तम समय यही है, बारिश का मौसम और सर्दी का मौसम। गर्मी में अगर आप आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सर्दी का मौसम है और जाती हुई सर्दी है, तो इस वक्त भी मतलब काफ़ी थकान और गर्मी महसूस होने लगी है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप एक नज़र ऐसा देखेंगे तो आपको देखने को ऐसा प्रतीत होगा कि मानो ये पहाड़ को काट के इस मंदिर का निर्माण किया हो। सभी तरफ आपको ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे और बीच में मौजूद है ये नरेश्वर मंदिर। जितना खूबसूरत दोस्तों ये मंदिर है, उतनी ही यहाँ पे कुछ कमियाँ भी हैं। यहाँ पीने का पानी मौजूद नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बिना बोतल के अगर यहाँ पहुँच जाता है तो भाई साहब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जानी है। दूसरी बात, यहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं है, इस तरह से दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए यहाँ पर पहुँचना पड़ता है, और किसी प्रकार का रोड वोड का कोई साधन नहीं है। दूसरी सबसे कमी बात यह है कि इस रास्ते में किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं है जो मंदिर तरफ आपको पहुंचाने में मदद करता हो। इन सब कमियों को देखते हुए मेरे को ये महसूस होता है कि शायद लोगों की नज़रों से इसको छुपाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्था हो जाती, क्योंकि 8वीं से 10वीं शताब्दी का ये बताया जाता है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा उनके काल में ये मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये थी आज की जानकारियाँ इस वीडियो के द्वारा हमने आपको पहुँचाई हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं योगेन सर, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।